फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूं। एक ऐसा वीडियो लेके जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि लोग ना लोगों को एक डॉबरमैन को लेके या किसी भी ब्रीड को लेके एक फोबिया है कि जी बाहर का डॉबरमैन होगा तो ही अच्छा होगा, और या फिर हम कोई डॉग इम्पोर्ट कराते हैं वही अच्छा होता है। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले राजीव सर से आपको मिलाता हूँ। राजीव सर के आपने पहले भी वीडियो देखे हैं, एक डॉग है इनके पास एलेक्स जो आज हमारे साथ में है इस वीडियो में, और इधर है शुभम भाई हमारे, उनके पास एक फीमेल है लारा नाम की फीमेल है जो, और अभी हमने इन दोनों को ब्रीड भी किया था और उसकी प्रोजनी जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि एक बीआई कुत्ता, एक बीआई डॉग भी कितने अच्छा रिजल्ट दे सकता है, कितने अच्छे डॉग प्रोड्यूस कर सकता है वो आज आप लोग देखो। यही जरूरी नहीं है कि आप इंपोर्ट के नाम पे एक सिर्फ इंपोर्ट की तरफ भागें। तो ये इस वीडियो को बनाने का आज हमारा मेन मकसद है। अच्छा राजीव सर, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करूंगा अपने चैनल पे। आपने आपने जब इसको ब्रीड किया है ये शुभम की, हमने फीमेल को, शुभम का फीमेल का साइज भी छोटा है, तो आपने भी पप्स देखे, आपको क्या लगा? आपका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है डॉबरमैन के साथ। देखिए, ये मुझे भी नहीं मालूम था कि इस कॉम्बिनेशन से क्या रिजल्ट आएगा जी, लेकिन आज मैंने ये बच्चे पहली बार देखे और सच में इन बच्चों को देख के कहीं से नहीं लगता कि ये बच्चों में किसी तरह की कोई कमी है। ये बच्चे किसी भी इम्पोर्ट प्रोजनी से कम नहीं है इनका। अभी आप इनका वीडियो देखेंगे जो क्लिप आएंगी, आप देखेंगे इन बच्चों का जो टेम्परामेंट है, जो एटीट्यूड है, वो कहीं किसी भी लेवल पे कम नहीं है। इन बच्चों को देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि डॉबरमैन के लिए आज की तारीख में किसी को इम्पोर्ट बच्चे लेने की जरूरत है, इतना पैसा खर्चने की जरूरत है। आज की तारीख में यूरोपियन डॉबरमैन की अगर बात करें तो इंडिया में ही बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी पेडिग्री है, बहुत अच्छा ब्लड लाइन है। आप प्लीज उनको एक्सप्लोर करें, और मैं तो यही कहूंगा कि आज की तारीख में अगर यूरोपियन डॉबरमैन अगर किसी को लेना है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप 20-25 लाख रुपए बाहर जाके खर्चा करें। आज यहीं पे 2-2.5 लाख रुपए बहुत बहुत अच्छी से अच्छी पेडिग्री के बच्चे आज की तारीख में अवेलेबल। राजीव सर, मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं इन बच्चों को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ शुभम के पास, मैंने और भी वीडियो के साथ इन बच्चों के किए हैं। आपने आज फर्स्ट टाइम देखे, एलेक्स को भी मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तब एलेक्स छोटा था, मैं तब से इसको देख रहा हूँ, इसको, इस डॉग को। ये खैर शुभम की मैंने फीमेल थोड़ी तब बड़ी हो गई थी तभी देखी है। आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं मुझे वीडियो बनाना नहीं था, थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा था, आपका भी थोड़ा टाइट है। वीडियो बनाने का मेन मकसद ही मेरा ये है कि आप एक्चुअल में आप जो ब्रीडर सर किसे मानते हैं ब्रीडर, मैं भी जैसे मेलनवा ब्रीड करता हूँ तो मैं ब्रीडर, आपने जो ब्रीड किया है ये इसको मैं ब्रीडिंग मानता हूँ सर। बाहर से तो कोई भी ले आएगा, आज लोगों को ये दिखाना है सिर्फ कि आप ये देखो जो यहाँ पे भी बहुत अच्छा ब्रीड हो सकता है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे डॉग पैदा हो सकते हैं। लोगों ने जो अपने उसमें जो देख रखा है, जो चीजें सोची हुई है कि जी हम 20 लाख जैसे अभी आपने बताया इतने पैसे लगा के डॉग लाते हैं, लोग बहुत अननेसेसरी पैसा खर्च कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे डॉग खराब है, बट हाँ बहुत अच्छे डॉग यहाँ भी हैं। शुभम से मैं एक चीज जानना चाहूंगा, सबसे पहले शुभम का थैंक्स करूंगा, शुभम आप इतना टाइम निकाल के वहां से आए, और शुभम आप ये बताएं कि जैसे आप इन बच्चों को अपने साथ रखते हो, टेम्परामेंट में आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, क्या मतलब जो जैसे पहले भी आपने ब्रीड किया है और अभी हमने यूरोपियन और एक लैटिन अमेरिकन का आपने कॉम्बिनेशन किया, इसी तरह का कॉम्बिनेशन है आप दोनों ने जो सोच के किया था, क्या आपको इसमें क्या अच्छा देखने को मिला, इन बच्चों में कुछ नया देखा आपने? नया तो क्या भैया, एक्चुअली मुझे जो डॉबरमैन मेरा प्रेजेंटेशन था वर्किंग को लेके जो मैंने शुरू से ही कहा था जी, वो मेरा पूरा हुआ है। इसमें से मैंने खुद ने भी एक बच्चा रोका, मेरे को मेनली मेरी ब्रीडिंग करने का उद्देश्य था कि मैं मेरी ही फीमेल का कोई बच्चा रोकूं, वो मैंने रोक लिया। मैं इस वीडियो में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ वीडियो में बने रहे, मैं आपको बच्चे भी अभी दिखाऊंगा, आप खुद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बच्चे कैसे लगे, कैसी आपको ये ब्रीडिंग कैसी लगी जो हमने हमारे ग्रोवर साहब ने और शुभम ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, ये कैसा आप लोगों को लगा तो बताएं। बेसिकली मुझे चाहिए था बच्चों का टेम्परामेंट, मतलब एक हर एंगल में बच्चा परफेक्ट नजर आए। मुझे सिर्फ शो से मतलब नहीं, सिर्फ बच्चा सिर्फ शो हो, स्टेक मारे, बच्चा वर्क करे, ओबीडियंस करे, चाहे किसी प्रोटेक्शन में उसको जाना है, मैंने वर्क करना है ना। तो वो अभी जो आप जितने भी देख रहे हो 90% सब स्टेक करा दिया, अभी भी मुझसे भी कोई मांगता है ना भैया स्टेक करा हुआ कोई फोटो दे दो,
अरे यार इतना वर्क करा हुआ वो कम दिख रहा है। अच्छा स्टेक करा हुआ उसमें पूरी बोट दिख जाएगा, पूरा डॉग दिख गया उसमें। अच्छा साइज में आपको कुछ फर्क नजर आया? जैसे लारा का हम साइज देखते हैं वो छोटा है, और एलेक्स का साइज का तो मैंने डॉरमैन ही नहीं देखा अभी किसी के पास। साइज का तो भैया ऐसा ना, देखो कुछ बच्चे, एक दो बच्चे मैं मान सकता हूँ जो मैं मेल रोक रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो एलेक्स जैसा जाएगा जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो एक सिमिलर अपने को जो शो स्टैंडर्ड में चीजें होनी चाहिए वो उसके हिसाब से परफेक्ट बैठेंगे। बड़े साइज भी हैं और कुछ। देखिए जो इन बच्चों को मैं अगर देख पा रहा हूँ तो ये बच्चे का जो बॉडी बिल्डअप है, जो इनका बोन साइज है वो परफेक्ट, जो जो इनका एंगल है वो किसी भी तरीके से किसी यूरोपियन बच्चे से कम नहीं है। अभी आप बच्चे देखो, ये बच्चे इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये बच्चा इंडियन, इंडिया में हम लोगों ने ब्रीड किया, फॉरेन कंट्री के लग रहा है। ये बच्चे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बाहर से आप बच्चे लाते हैं तो थोड़े से साफी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो ये बच्चे क्योंकि अंडर ट्रेनिंग है तो थोड़ा सा फर्क रहता है। सुबह ट्रेनर भी है तो ये ट्रेन, जैसे ग्रोवर साहब तो इन्होंने घर में रखा, मैं थोड़ा ब्रीडर हूँ तो ये ट्रेनर रहता है थोड़ा सा कि ये ट्रेनर थोड़ा एक्चुअली इनका ना खाने का जो होता है वो थोड़ा एकदम सिस्टम से रहता है कि ज्यादा खाना नहीं देना है। और हमारा क्या होता है, हम तो सोचते हैं कि बच्चा हमारा गोलू मोलू रहे, हमें तो ज्यादा अच्छा लगता है, हमारे लिए थोड़ा ये ज्यादा जरूरी रहता है। बच्चे देख के मतलब मैं भी हैरान हूँ कि इस कॉम्बिनेशन से इतनी अच्छी पेडिग्री हम लोग प्रोड्यूस कर पाए। ये धन्यवाद है शुभम भाई का, जिसका ये आइडिया था, ओरिजिनल आइडिया तो ही नहीं था। ओरिजिनल तो सुन, और रेयरिंग भी शुभम की है, हाँ। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। मैंने शुभम को तब से ये बच्चे हुए हैं ब्रीडिंग टाइम से ही मैं इस फीमेल को देख रहा हूँ, शुभम के साथ भी हूँ मैं, इससे बात करता रहता हूँ इस टॉपिक पे। शुभम ने बहुत मेहनत की है इन बच्चों पे, और ये बच्चे जहां जाएंगे, जहां भी जाएंगे, देखो उसने ब्रीड किए तो आगे कहीं नए घरों में ये जाएंगे, जहां भी जाएंगे ये नाम खराब नहीं करेंगे किसी भी तरह से। बहुत ही ब्यूटीफुल बच्चे हैं शुभम के। अच्छा शुभम, और कुछ आपको कुछ और डिफरेंस लगा इनमें या कुछ और आगे क्या करना चाहते? एनर्जी लेवल बच्चों का थोड़ा हाई है, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे को पहले से बेटर है। मतलब मेरी फीमेल मेरे को मेरे हिसाब से परफेक्ट, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ तो वो ट्रेंड भी है, काफी अच्छी ट्रेंड है जी। तो इसको और इसके कॉम्बिनेशन में मुझे जो चाहिए था, मुझे लग रहा है कि जो अब इसके जो पपी है थोड़ी देर के लिए लारा 1.0 है, तो वो बच्चे लारा 2.0 जाने, मतलब उसका वर्जन एलेक्स के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद कहीं ना कहीं अपग्रेड सा हुआ। अच्छा मतलब जो चाहिए था, मुझे बोन साइज चाहिए थी मुझे मिल गई, मुझे फ्रंट एडजस्ट चाहिए था मुझे मिल गया, बहुत अच्छा। मुझे बॉडी एनाटॉमी सही चाहिए थी वो मुझे मिल गई, मतलब हालांकि इसकी भी सही है, उसकी जगह पे सही है, पर मुझे जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया। नया इसमें कुछ, हाँ मतलब एक अच्छा बच्चा, हाई एनर्जी का बच्चा। आपने इस कॉम्बिनेशन से एक फीमेल पप्स भी रोका है अपने पास, और फीमेल का रोकने का रोका है आपने, तो आप उसमें कैसे आगे, क्या फिर आप आगे किस तरह से ब्रीडिंग के पर्पस से? अभी नहीं, मेरा ब्रीडिंग पर्पस पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा मेन पर्पस है उसका, मेरे यहाँ तो मेनली मेन पर्पस है सिक्योरिटी को लेके। अच्छा। मैं मेल तो सिक्योरिटी के पर्पस ही ट्रेन करूंगा, प्रोटेक्शन को लेके ही। फीमेल को अभी मैं देखता हूँ, मैं अब देखो भैया बात है कि अभी मैं ऑन कैमरा बातें करूँ कि मुझे फलाना स्पोर्ट्स करना है या वो, मैं कैसे आया, देखो बड़ी बड़ी बातें करने में तो कोई वो नहीं, वो देखो स्पोर्ट्स और वो, हाँ। वो अलग ही चीज आ गई, हर कोई बंदा स्पोर्ट्स नहीं, वही कि कोई को अपने घर में कुत्ता लेके आता है, अभी सारी चीजें करके हिसाब से मतलब लेके वो अभी तो ट्रेनिंग होते हैं। अभी तो बेसिकली वो ट्रेन होगी, नहीं कर सकता है जब अभी वो पर्टिकुलर ट्रेन होगी, दोनों मेरे बच्चे ट्रेन होंगे, अब आगे जाके मैं देखता हूँ उनमें क्या मुझे करना चाहिए और बेटर तरीके से उसमें की, और आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि और आगे जो अपग्रेड बच्चे बनेंगे जिस लेवल पे जाएंगे वो भी अपन कहीं ना कहीं प्रेजेंट करेंगे आगे। तो हम इन बच्चों को बचपन से फॉलो कर रहे हैं और हम इनको आगे तक फॉलो करते रहेंगे। मैं एलेक्स को भी हमने स्टार्टिंग से फॉलो किया और हम इसको आगे तक फॉलो करते रहेंगे। इसका रीजन हमारा यही है कि हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि डॉबरमैन ही नहीं, कोई भी ब्रीड सिर्फ आप ब्लड लाइन चेंज करने के लिए तो ला सकते, लाओ डॉग, मगर उससे अच्छे डॉग्स हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हर छोटी से छोटी उसके लिए जिनके पास पैसा है चलो ले आते हैं, बट आप जो नहीं ला सकते उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं ला सकते तो हमारा कैनल कहीं कम है या हम कहीं छोटे हैं। सिर्फ ब्लड लाइन चेंज करने के लिए आप डॉग ला सकते हो, बाकी तो अपने जो ब्रीड इन इंडिया डॉग है वही इतने ब्यूटीफुल पप्स अगर आपको दे रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए।
तो चलो शुभम भाई बच्चे भी दिखाते हैं सब लोगों को एक बार। बिल्कुल भैया मैं बच्चे लेके आता हूँ। तो जो मैं आप बच्चे दिखाने के लिए बोल रहा था, ये एक पप है इनका भी, ये 3.5 महीने के आसपास एज हो गई है, बचपन से, और 3.5 महीने ही है। आप इनके वीडियो अगर हमारे उस पर देखोगे तो बबचपन से आप देख सकते हो इनको कि ये 3 एज के हैं। तो शुभम आपने क्रॉपिंग भी करा ली इनकी? हाँ कंप्लीट है। तो अब आप देखो इसका फ्रंट देख लो, आप बच्चे का हेड देखो, आप चेस्ट वगैरह, बोन साइज कितना स्ट्रांग है। तो अगर ये कहीं भी इम्पोर्ट से कम नहीं है बच्चा किसी भी तरह से। सर आपका क्या रिव्यू है इस बच्चे के बारे में? सर देखो अगर मेरे से पूछोगे तो मतलब मुझे बचपन का एलेक्स याद आ गया। अच्छा आई कैन सी द रिफ्लेक्शंस, एलेक्स का वही टेम्परामेंट, वही उसका बोन स्ट्रक्चर, वही फेस, वही आंखें, मतलब मैं कहीं से इसको कंपेयर करूंगा तो मतलब 100% ही, तो 90% तो ये एलेक्स है ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसको छोड़ दो, एलेक्स को छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, छोड़ दो आप, छोड़ दो उसको, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो उसकी। तो आप देखो कॉन्फिडेंट इतना है बच्चा, इसको किसी तरह का कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। तो शुभम भाई आप इसको रिटेन कर रहे हो उस बच्चे को? हाँ ये बच्चा मेरे पास। तो अभी ट्रेनिंग वगैरह पे भी आपने लगाया हुआ? ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग पे से भी आप थोड़ा सा, तो अगर ट्रेनिंग डाइट मतलब अभी ट्रेनिंग में नहीं होता तो और ये मतलब फॉरेन कंट्री और ये अलर्ट होगा बराबर। वही कह रहा हूँ कि अगर अगर आपने इसको ट्रेनिंग वाली डाइट पे नहीं डाला होता तो ये बच्चा और हेल्दी, और हेल्दी, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और हेल्दी जाएगा। बाकी और ये जो फीमेलें हैं इसकी सिस्टर हैं, ये भी बहुत साइज इनका बहुत अच्छा है फीमेलों का। तो आज जो इस वीडियो को सर लोग देख रहे हैं उन लोगों को आप दोनों लोग क्या मैसेज देना चाहोगे? आप सर क्या मैसेज देना चाहोगे इन लोगों को जो आप वीडियोस देख रहे हैं? अननेसेसरी बहुत कैनल वाले ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट में कुछ करना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट एक ऐसी ब्रीड है जो लोग गवर्नमेंट को पसंद करते हैं ना तो वो गवर्नमेंट ही पसंद करते हैं, वो कुछ और पालना नहीं चाहते, कुछ और रखना नहीं चाहते, और वो गवर्नमेंट उनको मिलते नहीं है अच्छे। जो कैनल वाले हैं वो अच्छे गवर्नमेंट ब्रीड नहीं कर पाते, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं सर? देखिए अगर मैं डोबरमैन की बात करूं तो डोबरमैन एक ऐसी ब्रीड है जिसमें हेल्थ का कहीं कोई इशू नहीं है, ओवरऑल जेनेटिक्स इनके स्ट्रांग है। दूसरा एक डोबरमैन ही एक ऐसी ब्रीड है जिसका टेम्परामेंट आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। आपको अगर फैमिली डॉग चाहिए तो इट्स अ वेरी फैमिली डॉग, आप एलेक्स को देखिए। बिल्कुल एलेक्स को हम देख ही रहे हैं। अगर आपको गार्ड डॉग चाहिए, ट्रेनेबल डॉग चाहिए तो वो भी आपने देखे हैं, लारा को देखो, लारा ही सो। तो चीजें जो है हर चीज अवेलेबल है हिंदुस्तान के अंदर, ओनली थिंग जो भी घर के लिए या अपने फार्म गार्डिंग के लिए बच्चा लेने चाहते हैं थोड़ी सी स्टडी जरूर करें, स्टडी बहुत जरूरी है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं होती है चीजों को। आपको अगर वही क्वालिटी अगर हिंदुस्तान में मिलती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मिलती है, तो वाई नॉट, हर चीज अवेलेबल है। आप थोड़ा सर्च करिए, लोगों की वीडियोस देखिए, बहुत सारी डॉग की वीडियोस अवेलेबल हैं, और हर तरह के टेम्परामेंट बॉडी स्ट्रक्चर के डॉग्स अवेलेबल हैं जी। आपको गार्डिंग के हिसाब से चाहिए तो आप उसको गार्डिंग के हिसाब से तैयार कर सकते हैं जी। आपको फैमिली डॉग चाहिए, आप फैमिली डॉग के हिसाब से तैयार करते हैं। डॉबरमैन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये जी। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें ग्रोवर सर ने दी। अपना शुभम भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सब चीजों को लेके, अभी जो पॉप्स और अभी तक का, आगे भी हम इनके वीडियोस करेंगे बट अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक के लिए भैया मेरा यही कह पाऊंगा कि मेरे लिए को जो चीज चाहिए थी मेरा काम इन पपीज पे पूरा हो गया। मतलब मुझे देखो एक ब्रीडर को क्या चाहिए, मैं रियलिटी एक बात बताऊं, अगर कोई ब्रीडर होता ना वो क्या चाहता है पता है? मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, बाकी सब ठीक है भाई, मेरे लिए बाकी सब तो ठीक है ही है जी, जी, जी। मुझे मेरा भी मिल गया जी जी जी। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सब के लिए यही मैसेज है, आप डॉबरमैन ले, एक अच्छा डॉबरमैन ले, मगर आपको बहुत ज्यादा नेसेसरी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे डॉबरमैन हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। आपके वीडियो के माध्यम से जरूर बात बोल दूं कि कोई भी मुझे मेल के लिए फोन मैसेज ना करे, बिल्कुल मैं भी साफ बोल रहा हूँ आपके वीडियो के इस जो सारे मेल मेरे जा चुके हैं, इसमें शुभम भाई के पास कोई भी मेल पप्स अवेलेबल नहीं। अगर किसी को फीमेल का क्वेरी करनी या बात करनी है तो उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं इनसे। बट जो हमारा मेन जो पर्पज था इस वीडियो को बनाने का वो यही था, जैसे मैंने पहले भी बोला कि भाई अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको एक अच्छा डॉग अच्छा पप्स यहाँ भी मिल सकता है, और यहाँ के बच्चे भी डॉग भी बहुत अच्छे जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो एलेक्स का रिजल्ट आज आपने देख ही लिया। तो बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।